इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, पहले हथरास का जो घटना है उसको मैं कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ, और कांग्रेस पार्टी इसको एक मौके की तरह नहीं देखती। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ, पिछड़ी जाति के साथ, गरीबों के साथ जुड़ा हुआ एक पार्टी है। ये पार्टी नहीं, मैं क्रांति इसको बोलूंगी, एक पार्टी नहीं है, क्योंकि राजनीति का स्वार्थ हमारे पार्टी में नहीं है। अगर स्वार्थ रहती तो सोनिया गांधी एक दफा नहीं दो दफा प्रधानमंत्री होते, राहुल गांधी एक दफा नहीं दो दफा प्रधानमंत्री होते। तो ये जो हथरास का जो घटना है, एक क्रांति के रूप में पूरे देश में चिंगारी पकड़ा है। एक ऊंदा ऊंचा कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के बीच का नहीं है, भारत देश का बेटी की मर्यादा का सवाल है। ये हमेशा बोलते हैं भारत पूछ रहा है 70 साल में क्या किया, भारत पूछ रहा है करके जो नारा देते हैं ना बहुत बड़े बड़े लोग, उन लोगों को बारीकी से बैठ के सोचना चाहिए। जिस तरह निर्भया केस में जो भारत माता की बेटी थी निर्भया, उस केस में यूपीए गवर्नमेंट जब था दिल्ली में तब हमने क्या क्या किया, और अब जो योगी का जो राम राज्य बोलते हैं, राम का वक्त हम भी है, जो राम राज्य में बोलते हैं, राम जिधर पैदा हुए उस राज्य में बेटी का रक्षा नहीं कर सकते तो ये क्या खाक करेंगे। अगर इनको बेटी या बहू या कोई रिश्तेदार इनके साथ में रहते तो इनको वो दुख या दर्द समझ में आता। आज पूरे देश में मैं इतना ही बोलूंगी कि सब लोग जागो और इन लोगों को भगा। कानून व्यवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, और ऐसा लग रहा है कि अदालतें भी मोदी हुकूमत के दबाव में फैसले ले रही है, तो इसके बारे में आप क्या? अदालत के बारे में बोलना गुनाह होगा, मैं अदालत की नाम नहीं लूंगी। छोटा सा एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगी। देखिए, कंगना रानावत जो हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, उसके घर को तोड़ा गया, उसके घर को कुछ इलीगल है करके तोड़ा गया। वो लीगल है इलीगल है राजनीति, हम तो कंगना रानावत के साथ खड़े रहे। उसको कितने लोग, मतलब वाइस सिक्योरिटी रखा गया उस बेटी के लिए, ठीक है, वो भाजपा की सपोर्टर है करके उसको वाइस सिक्योरिटी रखा गया। और जो जो हथरास की जो बेटी मनीषा है, अगर वो मरती है तो उसको रातों रात 3 बजे ले जाके उसको जलाते हैं सिक्योरिटी के साथ, मतलब कोई आप उसके घर के रिश्तेदार आप नजदीक मत आओ, लाश के पास मत आओ, लाश को तक दिखाया नहीं। तो आप बताओ कि भारत माता की बेटी कंगना रानावत बड़ी है या हथरास की एक दलित महिला बड़ी है, आप डिसाइड करो। धन्यवाद।